नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। बार कोड क्या है और कैसे पकड़ते हैं उसी के ऊपर ये वीडियो है। और इन तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे बार कोड पकड़ते समय, तो बार कोड 10-15 मिनट में आपके हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करना होगा। जो चीज़ बोला जा रहा है, जो टेक्निक बोला जा रहा है, उन टेक्निक को अच्छी तरीके से समझ के उसके बाद उसको बजाइएगा। जैसे बार कोड में काफ़ी सारे लोगों के जब पकड़ते हैं तो साउंड डंप करते हैं, वो परेशानी इसमें नहीं होगा। हाँ, दिक्कत किस में, जिसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा जोर देना है, वो बार कोड जब आप कोड चेंजिंग करेंगे, मतलब चेंजिंग के वक्त बस बार कोड को एक बारी में पकड़ना, उसकी प्रैक्टिस होती है, वक्त उसमें लगता है बार कोड के साउंड लाने में। ठीक, तो प्रैक्टिस आपको उसका करना है, और वो कैसे करना है वो मैं लास्ट में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बार कोड क्या है, सबसे पहले उसका जवाब देते हैं। बार कोड वो है जिसमें बार लगते हो, और ये बार किस में होता है, जो हमारा फर्स्ट फिंगर, मतलब दो स्ट्रिंग या तीन स्ट्रिंग एक साथ एक फिंगर में अगर जो इसको आप पकड़ दीजिए तो वो बार होता है। अब बार बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। बड़ा बार यानी कि फुल बार हो जाते हैं, जिसको जैसे ये फर्स्ट फिंगर, इसको मैंने पूरा फ्रेडबोर्ड पर पकड़ के रखा है, तो इसको फुल बार कहते हैं। जैसे छोटा बार ये ऐसे हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग हम डी ऐसे ही पकड़ते हैं कभी कभी। तो इसमें जो बार है वो इन तीन स्ट्रिंग का बार है, स्ट्रिंग छोटा सा बार है, तो इसी को बार कोड कहते हैं। मतलब जिस कोड में आपके बार यूज हो जाए, बार लग जाए, वो बार कोड है। जैसे हम जी कॉर्ड बजा रहे हैं, इसमें हमारा बार कॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें बार कॉर्ड का काम हमारा ओपन स्ट्रिंग कर रहे हैं, ये ओपन कॉर्ड कहलाए जाते हैं। ठीक, पहला बार कॉर्ड हमारा जो शुरू होता है वो एफ मेजर से। ठीक, ई मेजर नहीं है, ई मेजर हमारा ओपन कॉर्ड में आता है। तो पहला बार कॉर्ड हमारा जो होता है एफ मेजर से, और ये आया आपका बी फ्लैट या ए शार्प माइनर। अब आते कॉर्ड पकड़ने के, जब साउंड डाम करे किसी चीज़ में, तो सबसे पहले ये सब चीज़ ध्यान रख लीजिए कि आपका हाथ का पोजीशन ठीक नहीं है। ये गिटार में फ्रेट बोर्ड पर जो मेन काम होता है वो इसी फिंगर का होता है और हाथ का होता है। इसका पोजीशन स्ट्रक्चर अगर आप सही ढंग से पकड़ेंगे नहीं, बिठाएंगे नहीं, रखेंगे नहीं, तब जाके ये दिक्कत जो होते हैं जो है आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कि जिनको सिखा रहा हूँ, उनके हाथ काफ़ी बड़े बड़े फिंगर हैं उनके, लेकिन फिर भी वो 1 2 3 पर ऐसे बिठा नहीं पाते हैं, चारों फिंगर को एक साथ, फिफ्थ फ्रेट में एक साथ। ठीक, तो उनकी दिक्कत क्यों आती है उसमें, क्योंकि उनका टेक्निक सही नहीं है। जब टेक्निक उनको दिखा देता हूँ, वो 5 6 7 तक चले जाते हैं उनका फिंगर। तो ये चीज़ है, मेन चीज़ जो है टेक्निक के ऊपर, के पकड़ने का जो तरीका है, जो खामी है आपके पकड़ने में, जो खामी हो रहा है उन खामियों को समझिए, कैसे पकड़ना है उस हिसाब से पकड़िए, ये कभी मिस नहीं होगा। ठीक, तो कॉर्ड हाथ में पोजीशन पे, हाथ का जो पोजीशन होता है वो तो 3 तरीके का होता है। तीन मतलब ये जो हथेली का जो प्रोस्टर है, आप उसको देखिए, उससे समझ जाएंगे। एक इस एंगल में होता है, एक इस एंगल में होता है, और एक सीधा होता है। यह कॉर्ड का मेन चीज, ऐसे एक इधर इधर और सीधा। ठीक, इधर वाले कौन सा है, इधर वाले जैसे हम सी पकड़ते हैं या डी शेप अगर हम पकड़े, तो हमारा हाथ का पोजीशन देखिए इसमें इधर से आ रहा है ऐसे। जब हम जी पकड़ेंगे तो हमारा हाथ का पोजीशन इस तरफ से हो रहा है, डी वो इस तरफ, ए मेजर इस तरफ, ए माइनर। ठीक, ए माइनर सीधा आ रहा है, ए मेजर सी, ई मेजर सीधा आ रहा है। ठीक वैसे ही एफ जो है बार कॉर्ड आप जब पकड़ेंगे तो आपका हाथ का पोजीशन जो है वो सीधा आना चाहिए, ऐसे नहीं, ना ऐसे। आप जितना हाथ को सीधा रखेंगे उतना अच्छा है, आपकी जो कलाई है वो लटकता हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे पकड़े, ऐसे ऐसे नहीं, कलाई ऐसे सीधा नहीं रहेगा, कलाई फ्रेटबोर्ड के नीचे से लटकता रहेगा ऐसे। और ये तभी संभव होगा जब आपका थंब जो है वो जितना आप नीचे रखेंगे। ठीक, जैसे देखिए
मैं इतना नीचे रखता हूँ, अपने जरूरत के हिसाब से मैं इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता हूँ। ठीक, जैसे मैंने ऊपर किया तो ये हाथ रिस्ट देखिए मेरा अंदर की तरफ चला गया, जैसे मैं नीचे करूँगा ये रिस्ट मेरा लटकते जाएगा। बार कॉर्ड में ये फिंगर कभी ऊपर नहीं रहता है, फ्रेडबोर्ड फिंगर फ्रेडबोर्ड से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, फिंगर हाथ ऐसे नहीं रहेगा ना ऐसे रहेगा। और एक चीज़ का जो दिक्कत हो जाते हैं वो ये मिडिल फिंगर हमारा सबसे बड़ा है, इसको उसके बाद थर्ड फिंगर हमारा छोटा है, उसके बाद फिर छोटा है जो है फोर्थ फिंगर। तो इन तीनों को हमें क्या करना चाहिए, एक जगह पे लाना है, एक नाप पे मतलब इक्वल में। तो इसीलिए आप जमीन में हो टेबल में हो किसी पैरेलल जगह पे ऊपर फिंगर को ऐसे रखिए और ऐसे सीधे कीजिए। ठीक, जैसे हमारा हाथ ये है, हम अगर इसको नीचे करें तीनों को जमीन में छू छुवाइए तो आपका हाथ का पोजीशन जो है वो बन जाएगा कि कॉर्ड में आपको कैसे रखना है। जैसे ये सीधा है देखिए तीनों एक साथ आ गया, मतलब कि आपका जो फिंगर है वो सारे एडजस्ट हो गए। यही चीज़ हमें फ्रेडबोर्ड के ये भी जो है पैरेलल पैरेलल ही है तो उसी हिसाब से हमें फिंगर इसमें रखना है, ना इसमें ज़्यादा प्रेशर ना इसमें ज़्यादा प्रेशर ना इसमें ज़्यादा प्रेशर, किसी में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है, हर चीज़ टेक्निक का होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए फिंगर सीधे हो रहे कि नहीं, जैसे ये फिंगर तीनों से एक एक जगह में आ गए मतलब आपका हाथ का पोजीशन जो है वो बन चुका है कि कौन सा कितना मोड़ना है और छोटा वाला कितना मुड़ेगा, तीसरा वाला कितना मुड़ेगा, दूसरा वाला कितना मुड़ेगा, उस हिसाब से चीज़ ये बनते हैं। फिर एक चीज़ और बता दूँ, ये जो पहली जो लाइन है इस लाइन में हमारा फिंगर इस तरफ मुड़ जाते हैं, ये कभी भी उल्टे तरफ नहीं मुड़ना चाहिए ऐसे। आप इसी चीज़ को देखिए कि इन तीनों को एक साथ रखिए बस। ठीक है, ये होला, ये तो हुआ इन तीन चीज़ों फिंगर का। अब आता है फर्स्ट फिंगर का, फर्स्ट फिंगर का भी सेम वही चीज़ है। हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इधर से पकड़ते हैं बार को, इधर से प्रेशर देते हैं, तो इधर से प्रेशर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं पहले बता देता हूँ क्यों फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे ये फिंगर जो है वो तीन तरीके से बैंड होता है, एक ऊपर से उसके बाद नीचे से फिर यहाँ से। ठीक, तो ऐसे जब अगर फिंगर आपके बैंड होंगे तो जैसे आपसे आप मान लीजिए ऊपर वाले में ज़्यादा प्रेशर दिए तो आपका ये फिंगर जो है वो थोड़ा हल्का सा राउंड शेप में आ जाएगा। ठीक, आप अगर नीचे ज़्यादा प्रेशर देंगे तो भी ये ज़्यादा राउंड राउंड शेप में आ जाएगा। तो करना क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि फिंगर तो इधर से बैंड होगा लेकिन आप फिंगर इधर से बैंड नहीं कर सकते इस तरफ से। तो ये हुआ हमारा मेन बार, जो लचीला नहीं है, जो हार्ड है सीधा है, मतलब हमें फिंगर को ऐसे रखने के बाद प्रेशर जो है फिंगर की थोड़ा सा इधर से करना है ऐसे कि हमारा पोजीशन जो है स्ट्रिंग जो है इस तरी इधर से होल्ड किया जाए इस इधर से फिंगर के इस तरफ से, मतलब फिंगर तो आपको ऐसे ही रखना है लेकिन हल्का सा आप अगर फिंगर को मोड़ दीजिएगा तो इसमें स्ट्रिंग एकदम साफ आएगा और उसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, फिंगर इतना टाइट नहीं करना है एकदम, फिंगर जितना हो सके उतना लचीला रखिए, कैजुअल रखिए हाथ को, कैजुअल रखिए हाथ को। तो ये हुआ बार कॉर्ड पकड़ने का तरीका, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेडबोर्ड में फिंगर हाथ आपके लटके हुए होने चाहिए, रिस्ट कॉर्ड हमेशा हाथ सीधा होना चाहिए। आप शीशे के सामने बैठिए उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ सीधा है कि नहीं। तो ये हुआ कॉर्ड बार कॉर्ड पकड़ने का जो नियम जो तरीका, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। 10 मिनट में आप देखिए, 10 मिनट में आपका साउंड क्लियर साउंड आएगा, कोई डंप नहीं होगा उसमें। अच्छा, अब आते हैं बार कॉर्ड चेंजिंग। चेंजिंग में आपका टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट या कुछ नहीं है। इसमें आप जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना आगे के लिए आपको फायदा होगा। करना क्या है, आपको बार कॉर्ड पकड़िए, फिंगर छोड़िए, फिर एक साथ रखिए फिंगर को ऐसे। ठीक, फिर देखिए अगर आपका फिंगर इधर उधर हो जाए उसके बाद उसको आराम से रखिए,
फिट कहेंगे, लेकिन फिंगर्स छोड़ने के बाद सारे एक साथ आने चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे मत रखिए, मतलब इंस्टॉलमेंट में, पहले फर्स्ट फिंगर आया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे नहीं, ठीक। ये लेफ्ट ओपन और हो सके हाथ पूरा खोलिए, ऐसा नहीं है कि सेप बना के रखिए आप, ऐसे नहीं है, पूरा खोलिए, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।